यह संदेश जाएगा कि कल हम भी बन सकते हैं, परसों वो भी बन सकते हैं। आपके जाने के बाद भी सदन में आप लोग कमजोर रहेंगे, 5 लोगों को तोड़ दिया गया। सदन संख्या से खाली मतलब नहीं है, संख्या की चिंता थी नीतीश कुमार को, जो उन्होंने अनैतिक काम किया। अभी इनको तोड़ने की कौन सी जरूरत थी? सरकार तो नहीं बन रहा था, सरकार नहीं, विधायक अगर होते तो एक बात होती थी, कोई बिल नहीं रुक रहा था। लेकिन उनकी कहाँ योजना है? उनकी योजना है कि जान रहे हैं तेजस्वी जी की लोकप्रियता से घबराहट उनकी हो गई है और बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम को समझ रहे हैं, और परिणाम के बाद क्या होगा कि विधान परिषद में भाजपा से हमारा संख्या कम न रहे, इस चिंता के चलते इन्होंने 5 हमारे सदस्यों को तोड़ा है। अगर स्ट्रोक नहीं होता तो हमारे आने से सिर्फ ये मालूम हो गया नीतीश कुमार जी को कि रामबली सिंह का चयन हो गया है राष्ट्रीय जनता दल से MLC के रूप में, तो उनकी गणित बिगड़ गई। वह गणित था पहले कि अशोक चौधरी को देना था, संजय सिंह को देना था, फलाना को देना था, लेकिन तीनों के तीनों सीट उन्होंने अति पिछड़ा में देने का काम किया। इससे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की घबराहट कितनी बढ़ी हुई है।